अस्पताल बनवाना, बिजली 24 घंटे करना, ट्रांसपोर्ट ठीक करना, पानी पे काम करना, सड़कों पे काम करना, ये सब काम खूब किए केजरीवाल जी ने, खूब काम किए। लेकिन बीजेपी को नगर निगम चलाने का जब मौका दिया तो बीजेपी को एमसीडी के जो मूल जिम्मेदारी थी 15 साल में, उस पर भाजपा ने कुछ नहीं किया। आज आम आदमी पार्टी के काम गिनाने के लिए कहीं भी खड़े हो जाओ जनता के बीच में, खूब लोग काम गिनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम के बारे में बात करो तो 15 साल में जनता भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम नहीं गिनाती। और एक जनता तो छोड़ दो, बीजेपी के लोगों के पास भी अपने 15 साल के काम गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। आप सुबह से शाम तक देखो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनके नेताओं के भाषण होते हैं, उनके नेताओं के रोड शो होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच जाके कहे कि हमने 15 साल काम किए थे इसलिए हमें वोट दे देना। सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता केजरीवाल जी को गाली दे दे के वोट मांगते हैं। जनता कहती है भाई क्यों वोट दें, केजरीवाल जी को एक गाली दे देते हैं। जनता दूसरे मोड़ पे फिर पूछती है क्यों वोट दें आपको, फिर केजरीवाल जी को गाली दे देते हैं। उनका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है उससे पूछते हैं लोग भाई क्यों वोट दें, केजरीवाल जी को गाली। उनके मुख्यमंत्री आते हैं भाई क्यों वोट दें, आपने 15 साल में कुछ किया नहीं, किस लिए वोट दें, कोई एक काम तो गिनाओ, केजरीवाल जी को 4 गाली। तो सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह उठते हैं पानी पीने के बाद से केजरीवाल जी को गाली देने के साथ शुरू करते हैं, और रात को जब सोते हैं तो केजरीवाल जी को गाली देने के साथ सोते हैं। उनका काम एक ही है 24 घंटे, केजरीवाल जी को गाली देना, केजरीवाल जी को गाली देना, केजरीवाल जी को गाली देना। एमसीडी का चुनाव नहीं लड़ रहे, केजरीवाल जी को गाली देने का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कॉम्पिटिशन उससे है। तो हम उस तूतू मेमे की उसमें नहीं है, हमारे पास काम है, उनके पास गालियाँ हैं। हमने जनता का प्यार जीता है, वो केवल नफरत करना जानते हैं, वो नफरत बांट रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं। तो आज से हम लोग एक नया कैंपेन पूरी दिल्ली में लॉन्च कर रहे हैं जिसका नारा है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। ये कैंपेन पूरी दिल्ली में अब चलेगा क्योंकि एमसीडी में केजरीवाल की गूंज तो पूरी दिल्ली में चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ वार्ड, जैसा केजरीवाल जी कह भी चुके हैं 20-25 वार्ड ऐसे हैं, 20 वार्ड जहां शायद भारतीय जनता पार्टी जीते। तो इसलिए मैं उन 20 वार्ड के लिए भी और बाकी वार्ड के लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार है ही, नगर निगम में भी केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, ये अब तय हो चुका है। ऐसा ना हो जाए कि नगर निगम में केजरीवाल जी की सरकार है और किसी इलाके में बीजेपी का पार्षद चुना जाए तो वो केवल लड़ता रहे, क्योंकि केजरीवाल जी काम कराएंगे, केजरीवाल जी साफ सफाई करेंगे, केजरीवाल जी सड़कें बनवाएंगे, केजरीवाल जी पार्क ठीक करेंगे, केजरीवाल जी स्ट्रे एनिमल से छुटकारा दिलाएंगे, और उधर बीजेपी का पार्षद बैठ के केवल लड़ता रहे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों को आगाह करते हुए हम ये अभियान लॉन्च कर रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार तो एमसीडी में बनी रही है, लेकिन हर एक वार्ड के लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि जब एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार है तो केजरीवाल की सरकार केजरीवाल का पार्षद होना चाहिए, क्योंकि वो काम जो केजरीवाल जी के पार्षद कराएंगे वो कभी भी बीजेपी के पार्षद नहीं करा सकते। बीजेपी के पार्षदों का केवल एक ही काम रहने वाला है चुनाव के बाद, केजरीवाल जी से लड़ना, क्योंकि एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार होगी और बीजेपी के पार्षद जहां भी 2, 4, 6, 10 होंगे वो केवल और केवल केजरीवाल जी से लड़ेंगे। उनका काम सुबह से शाम तक यही होगा, केजरीवाल जी सड़क बनवाएंगे ये सड़क रोकेंगे, केजरीवाल जी साफ सफाई कराएंगे इनके पार्षद साफ सफाई रोकेंगे। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की सरकार तो आप एमसीडी में बना ही रहे, लेकिन हर एक व्यक्ति ये सुनिश्चित करे कि उसके इलाके में पार्षद भी केजरीवाल जी का ही हो, क्योंकि अगर बीजेपी का पार्षद गलती से बन गया किसी वार्ड में तो वो काम नहीं होने देगा, वहाँ पे काम रोकेगा, सड़क नहीं बनने देगा, साफ सफाई नहीं होने देगा, नाली नहीं बनने देगा, जो भी केजरीवाल जी काम कराएंगे उसको रोकेगा। तो इसलिए केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में है ये अब तय है, लेकिन हर वार्ड में अब हमको सबको लोगों को सुनिश्चित करना है कि केजरीवाल जी की सरकार और केजरीवाल जी का पार्षद, यही कैंपेन हम आज से लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू। खड़े होकर देखिए, थैंक यू सर। एक सर कुछ सवाल आ गए,
क्या स्थिति अभी एमसीडी में आम आदमी पार्टी देख पा रही है, आकलन क्या है आम आदमी पार्टी का, कितनी सीटों पर आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आगे रहेगी, अभी क्या सर्वे आप कर रहे हैं? सर्वे और आकलन, जनता का मूड सब एकदम एक ही तरफ है कि केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में भी बननी है, और भारतीय जनता पार्टी के पास ना काम है गिनाने के लिए, ना कोई एजेंडा है, ना इन्होंने कभी ये सोचा कि 15 साल में कोई काम किया तो जनता से उस पर बात कर लें भाई क्यों नहीं कर पाए, और ना अब इनके पास ये है कि अगले 5 साल क्या करेंगे। जनता पूछती है अगले 5 साल क्या करोगे, उसमें भी केजरीवाल जी को गाली देते हैं, 15 साल क्या किया पिछले, उसमें भी केजरीवाल जी को गाली देते हैं, तो इनके पास ना आगे की कोई दिल्ली की योजना है। आज भारतीय जनता पार्टी केवल गाली पे चुनाव लड़ रही है, और अरविंद केजरीवाल जी अपने काम पर, और साथ साथ एक उम्मीद कि दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे, दिल्ली के पार्कों को ठीक करेंगे, दिल्ली के मार्केट्स को रिश्वतखोरी से निजात दिलाएंगे, इस उम्मीद पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने एक सीट रमेश नगर से दिया है, उसको उम्मीदवार बनाया है जिसने सीएम के घर पर हमला किया। आप खुद ही देख लो, ये भी बात इस बात का सबूत है कि बीजेपी के उम्मीदवार भी ऐसे हैं जो केजरीवाल जी के साथ गाली गलौज करते हैं, केजरीवाल जी के घर पे जाके तोड़फोड़ करते हैं। तो बीजेपी की नीयत केवल और केवल इस पे है कि बस जनता के बीच गाली देते घूमते रहो, काम की बात मत करो, क्योंकि बीजेपी को काम करना नहीं आता। दिल्ली में 14 रोड शो किए गए बीजेपी, एक भी जगह बताओ बीजेपी के 14 रोड शो में इतने इतने बड़े बड़े दिग्गज उतारे इन्होंने, किसी एक नेता ने ये बताने की हिम्मत की हो कि हमने 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये किया, या अगले 5 साल हमारी ये करना काम करने की योजना है, किसी एक नेता ने कहीं एक जगह कोई स्पीच एक लाइन भी बोली हो तो बताओ, दिल्ली के एमसीडी के पिछले काम के बारे में या आगे की संभावना के, क्योंकि है ही नहीं कुछ इनके पास बनाने के लिए। इनका काम ही सुबह से शाम तक ये है, करते रहे रोज मनोहर कहानियां, सुबह उठते हैं रात को इनके जो वो है ना कैंपेनर, पुराने स्टॉक मिल गया इनको मनोहर कहानियां हो कहीं से, वहीं से उठाते हैं, सुबह इनका कुछ कुछ करते हैं फिर आ जाते हैं। लेकिन जनता अब पूछ रही है, जनता पूछती है ठीक है स्टिंग, ठीक है स्टिंग पे जवाब आ जाएगा क्या होगा, लेकिन ये बताओ कि कूड़ा कूड़ा क्यों है, ये बताओ कि कूड़े के ढेर क्यों हैं, ये बताओ कि 3 पहाड़ की जगह अब 16 पहाड़ बनाने की तैयारी क्यों है, उस पर कोई जवाब नहीं है। थैंक यू।